Today, we will discuss about reactions of benzene. For completion of any reaction, we need nucleophile and electron. In case of reactions of benzene, first we will see how benzene reacts. Benzene acts as a nucleophile because it having a pi electron cloud above the sigma frame and below the sigma frame, due to which it having the negative charge. Benzene कैसे react करता है? Benzene react करता है nucleophile बनकर. Benzene act करता है as a nucleophile. क्यों act करता है? क्योंकि benzene की जो sigma frame है उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जिसकी वजह से बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज है और इसी वजह से वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है. बेंजीन रिएक्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ. बेंजीन रिएक्ट विद एन इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेटली, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है. जब During completion of this reaction, carbocation is formed as an intermediate. Benzene की reaction होते वक्त या benzene जब भी electrophile के साथ react होता है, बीच में as an intermediate carbocation form होता है. If possible, it forms a resonating structure. और उसमें resonating structure form होते हैं जो कि electron का delocalization की वजह से charge भी delocalize होता है. देखते हैं कैसे होता है. बेंजीन जिस तरह से यहाँ पर बताई गई है उसके अंदर का एक पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच होता है. ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन वाई को दिए गए और वाई अटैच हुआ, बट ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होता है दूसरे साइड में. जिस एटम की ओर, जिस दो एटम के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ उसमें से एक बॉन्ड की ओर वाई अटैच होगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा बॉन्ड चार्ज एक्वायर करेगा पॉजिटिव. कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. उसके बाद क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन रिमूव होता है और ये बॉन्ड रिपीट फॉर्म होता है. सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देगा और ये पॉजिटिव. बट इसी बीच इसमें रेजोनेंस ये चार्ज तीन जगह पर जाएगा, एक दो और तीन. देखेंगे कैसे. अल्किन्स और बेंजीन दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों में भी डबल बॉन्ड, बट अल्किन अंडर को एडिशन रिएक्शन. अल्किन क्या रिएक्शंस बताते हैं? एडिशन. और बेंजीन ऐसी बताती है या नहीं रिएक्शंस, ये हम देखेंगे. ये है अल्किन का स्ट्रक्चर, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर. ये है इलेक्ट्रोफाइल, इसके अंदर भी सेम होता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है. इन दोनों में से एक की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखा उसमें राइट साइड वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और वो वाई के साथ अटैच और कार्बन पॉजिटिव. उसी वक्त जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा रिएजेंट का, वो क्या करेगा, दूसरा जो पॉजिटिव कार्बोकैटायन है या कार्बोकैटायन है उसकी तरफ अटैच होगा. इसमें भी सेम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, जेड एंड वाई, ये दो एडिशन होंगे तुम्हारे अल्किन के स्ट्रक्चर. अब बेंजीन इस तरह से रिएक्ट होता है या नहीं इसको हम देखते हैं. रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगी देखते हैं. इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगी. फर्स्ट हम देखेंगे कि जैसे एल्किन होता है, बेंजीन वाई के साथ एडिशन होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा. ये उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा यहाँ पर जाएगा और इस तरह से जड़ा होगा, ये एडिशन प्रोडक्ट. बट इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक जो ब्रेक हो वापिस फॉर्म नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इसकी जो अरोमेटिसिटी है वो लॉस हो गया है, नॉन अरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जैसे कि एल्किन का होता है उस. अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें तो क्या होता है, तो इसमें जो भी पिंक कलर से बताए गए हैं वो देखते हैं क्या होता है. अब इसमें क्या होता है, सेम एडिशन वाई का होता है जो हमने पिछली रिएक्शन स्लाइड्स में देखा. इसमें से जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकैटायन पर अटैक ना करकर प्रोटॉन को अब्सट्रैक्ट करता है, लीविंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ही पर छोड़ता है.
और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ने से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव बॉन्ड वापिस पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन की जगह किसने ली, बाय ने, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच, इसने इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गया, बट किसने सब्सटीट्यूट किया, इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसे हम अगले डिस्क्रिप्शन में, डिस्कशन में ESR काउंट करेंगे या पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ ESR। ESR इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कुछ अलग ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, जो बेंजीन की 6 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है किसी भी एक इलेक्ट्रोफाइल के जरिए। इस तरह से हाइड्रोजन है उसकी जगह उपाय ले लेगा और ये रिप्लेस हो गया किसी भी न्यूक्लियस। इसमें मोस्ट कॉमन ESR या बी फॉर्म सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, जैसे कि हेलोजिनेशन जिसमें है ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन और आयोडिनेशन। उसके बाद है नाइट्रेशन रिएक्शन, इसमें है NO2, ये ग्रुप ऐड होगा H की जगह पर। सल्फोनेशन, इसमें ऐड होगा SO3H। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, इसमें RCO। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दैट इज R। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो फॉर द स्टडी। ये मोस्ट कॉमन ESR रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स के।